नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सिराजुल हक, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, एआरएल रिटेल अपडेट में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपको हम तीन आई के बारे में बताने जा रहे हैं। तीन आई, आई आई आई, तीन आई। ये तीन आई है क्या, है ना? अगर आप ये तीन आई को जान लेते हैं तो इस तीन आई के बाद, जानने के बाद, जिंदगी में कभी आप असफलता का मुंह नहीं देखेंगे। आपके जिंदगी में हमेशा सीधी दर सीधी आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। वो थ्री आई है क्या? ये थ्री आई है दोस्त। पहला जो आई है हमारा, वो है आइडेंटिफाई। जी हाँ, आइडेंटिफाई। ये आइडेंटिफाई क्या है? आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब कि पहचानना, किसको? खुद को, अपने आप को जानना कि आप कर क्या सकते हैं, आप कर क्या सकते हैं, आप बने किस चीज के लिए हैं। सोचिए, आप बने हो इंजीनियर बनने के लिए और आप ट्राई कर रहे हैं चार्टर अकाउंटेंट का। आपका गला बहुत अच्छा है, सिंगिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं क्रिकेट खेलने का। क्या आप क्रिकेट में कभी कामयाब हो सकते हैं? सबसे पहले आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ना खेल के वो पियानो बजाने का काम करता तो कभी क्या वो क्रिकेट का भगवान बन सकते थे? अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग छोड़ के अमिताभ बच्चन सर अगर वो टीचिंग कर लेते, इंजीनियरिंग कर लेते, कभी कामयाब आज इस सदी के महानायक माने जाते, क्या वो इस सदी के महानायक कहलाते? जी नहीं, कभी नहीं। लता मंगेशकर सिंगिंग छोड़ के एक्टिंग अगर करती, कभी मतलब कि अपना प्रोफेशन हम बदलते रहते। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम लोग अपने आप को पहचानते नहीं हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी इस सेक्टर में, कभी उस सेक्टर में, कभी उस सेक्टर में, दुनिया के जितनी भी सेक्टर मिल जाते हैं उस सेक्टर में हम लोग उसको करते रहते हैं। कुछ डायरेक्ट सेलिंग वाले का प्रॉब्लम है, वो कंपनी भी कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, क्यों? हर कंपनी में कामयाब लोग हैं भाई, आप क्यों नहीं कामयाब हो रहे? हर सेक्टर में कामयाब लोग हैं, आप क्यों नहीं कामयाब है? क्योंकि आप अपने आप को अभी तक पहचान नहीं पाए कि आप कर क्या सकते हैं। तो सवाल आता है कि आप अपने आप को पहचानेंगे कैसे? तो अपने आप को पहचानने का तरीका है, एकदम साधारण सा तरीका है, कि आपको वो काम करना है जिस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा ना भी दिया जाए तब भी आप करने को तैयार हैं। जिस काम को करने से आपको खाना ना दिया जाए तो भी आप उस करने को तैयार हो, करने में मजा है, उस काम को करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, सफलता छक मार के आएगी। आप बोलेंगे, सर जिस काम को करने से अगर हमको पैसा नहीं दिया जाएगा तो उस काम को करके हमको क्या फायदा? फायदा है। हमने अभी सचिन सर का नाम लिया था, सचिन तेंदुलकर का। शुरू में उसको क्रिकेट खेलने के लिए पैसा नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी दिन रात क्रिकेट में लगे हुए थे, अपने पैशन को बढ़ा रहे थे, अपने हॉबी को बढ़ा रहे थे, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे थे। जब उन्होंने अपने पैशन को जब प्रोफेशन में बदल दिया तो आज क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। अमिताभ बच्चन सर का हमने नाम लिया, उनकी आप किसी भी आदमी से जाके पूछ लो अमिताभ सर के बारे में। रोड पे आ गए थे, जंजीर से कहा जाता है कि उनकी जो एक मूवी है जंजीर, उनसे पहले उनकी सारी मूवी फ्लॉप कर गई। वो रोड तक आ गए थे, एक बिजनेसमैन थे, रोड तक आ गए थे, लेकिन वो हारे नहीं, वो लगातार प्रयास करते रहे, अपने एक्टिंग को निखारते रहे, क्योंकि उसको एक्टिंग करने में मजा आ रहा था। आज इस सदी के महानायक कहलाते हैं। तो जिस काम को आपको करने में मजा आ रहा हो, अगर आप
उस काम को रेगुलर करते रहेंगे, हमेशा प्रयास करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे, सफलता छक मार के आएगी। अब आता है कि जब आप खुद को, अपने आप को पहचान लेते हैं, कैसे कि उस काम को करके करना है, जिस काम को करने में आपको मज़ा तो आता है लेकिन पैसा न भी मिले तो भी आप करने को तैयार हो, इस काम को आप अपने प्रोफेशन में बदल दो। दूसरा है आई, पहला आई आइडेंटिफाई, खुद को पहचानना। दूसरा आई है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, आज़ाद करना है अपने आप को, किसी के भरोसे नहीं रहना, किसी पे आश्रित नहीं रहना कि वो फन्ना आदमी जो है ना हमारे साथ में कॉपरेट करेंगे तो हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। फन्ना आदमी हमको अगर सपोर्ट कर देता है तो हम फन्ना चीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो फन्ना सर जो है ना वो अगर आ जाते, हमारे सीनियर सपोर्ट कर देते तो हम फन्ना आदमी को जाके प्लान कर देते, रातें रात तो हम सिल्वर मार लेते, गोल्ड स्टार कर लेते। नहीं, खुद से इंडिपेंडेंस, अपने आप से करना है। चाहे आप दुनिया में जो भी चीज करना चाहते हैं तो अपने आप से आज़ाद होके, किसी का किसी पे आश्रित नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग आश्रित है वो आश्रित है, उसकी जिंदगी में तरक्की नहीं हुई है। अगर वो सफल हो भी गया है तो उसकी सफलता जमीन में आ गई है, फिर से नीचे गिर गई है। अगर आप लगातार जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए लाइफ टाइम ग्रोथ चाहते हैं तो उसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है, एक ही काम करना पड़ेगा, खुद को आज़ाद करना पड़ेगा, किसी के प्रति नहीं, किसी पे मतलब कि भरोसे नहीं रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में एकदम इंडिपेंडेंस होके काम करना है, एकदम आज़ाद होके, एकदम खुले मन से काम करना है। और लास्टली आता है आपका आई फॉर इग्नोर, जब आप खुद से काम करेंगे, जब आप अपने मनपसंद का काम करेंगे तो लोग बोलेगा अरे देख ये क्या करने के लिए चला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये तो फेल हो जाएगा, ये पक्का ये पागल है, तरह तरह का बात बोलेगा आपको और आपके मनोबल को तोड़ेगा। उस समय आपको उन सारे लोगों को इग्नोर करना है, उसको साइड करना है, हट बाजू में, हवा आने दे, ऐसा एटीट्यूड। तीन चीज, आइडेंटिफाई, खुद को पहचानिए, थ्री आई आइडेंटिफाई, इंडिपेंडेंस और इग्नोर, ये तीन चीज अगर आपके जिंदगी में है दोस्त, कोई माई की लाल नहीं है जो आपको सफल होने से रोक ले। थैंक यू।